हेलो एवरीवन, सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ आवर चैप्टर हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं, सो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द वे टू राइट द आंसर्स। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन इज इंडिकेट द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन रीजंस इन द हायर स्पेक्ट्रा ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो हमने एब्जॉर्प्शन बैंड्स बताने फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टॉलुइन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 twice CHOH, राइट। सो यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आराम से हो जाएगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे पास जो OH स्ट्रेचिंग का बैंड आएगा, दैट विल बी बिटवीन 3200 टू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब CH बॉन्ड्स है तो CH स्ट्रेचिंग से बैंड आएगा 2850 टू 2950 के बीच में, और CHOH जो है C और O पे एक डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, दैट इज बिटवीन 1000 टू 1300 सेंटीमीटर इनवर्स से इसकी स्ट्रेचिंग पर लग जाएगी। सो इन तीनों वैल्यू से हमें इंडिकेट हो जाएगा दैट दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉलुइन। सो टॉलुइन का देखते हैं। अब टॉलुइन में बेंजीन रिंग है, सो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग रहेगी, दैट इज बिटवीन 1500 टू 1600 सेंटीमीटर वर्स, राइट। और बेंजीन में सी एच स्ट्रेचिंग भी होती है, सो सी एच स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग 3000 टू 3100 सेंटीमीटर वर्स, और ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है इसकी सी एच स्ट्रेचिंग रहेगी, दैट विल बी बिटवीन 2850 टू 2950 सेंटीमीटर वर्स, राइट। यहाँ पर एक और बैंड आ सकता है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूशन का बैंड, और वो रहता है हमारे पास 1000 से कम रेंज में, राइट। सो हमें उन चीजों से पता लग जाता है दैट दिस इज अ टॉलुइन मॉलिक्यूल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंपाउंड्स, एंड ये जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं, एक एसिटिक एसिड है एंड एक हमारे पास प्रोपेनोन है, इसे हम एसिटोन भी कह सकते हैं। अब दोनों ही कार्बोनल ग्रुप वाले कंपाउंड है, अब इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके में दोनों में सीओ स्ट्रेचिंग होगी कार्बोनल ग्रुप की, दैट इज बिटवीन 1700 टू 1750 सेंटीमीटर वर्स। पर लेकिन हमने ये बात पढ़ी थी दैट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो डायमर फॉर्म कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से OH स्ट्रेचिंग आएगी यहाँ पर, दैट इज बिटवीन 2500 टू 3000 सेंटीमीटर वर्स। अब यहाँ पर OH बॉन्ड तो है ही नहीं है, सो दिस बैंड इज नॉट प्रेजेंट इन CH3CO CH3, राइट। सो हम इस चीज से पता लग जाएगा दैट हमारे पास एक अलग बैंड है और एक अलग ग्रुप है, राइट। सो इन दोनों ग्रुप्स में इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो और भी अगर हमारे पास कंपाउंड्स हो तो उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक एक एग्जांपल लिए, सो आप बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज हाउ टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर, राइट। सो अब डिड्यूस करना है, हमें क्वेश्चन में एग्जाम में फॉर्मूला दिया होगा, सो ये फॉर्मूला हमें गिवन है 3 3 H 8 O, राइट। इसके इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बैंड है 2950 सेंटीमीटर वर्स पर लेकिन नन दिया हुआ है। अब इनमें नेगेटिव बैंड्स ही हुए हैं, दैट इज 3300 सेंटीमीटर वर्स और 1725 सेंटीमीटर वर्स। मतलब अगर ये दोनों बैंड्स नहीं है और ये बैंड है तो हमें इसका फॉर्मूला डिटेक्ट करना है, राइट। सो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, ये सैचुरेटेड है, C3H8O, राइट। और यहाँ पर अब ये अल्कोहल या ईथर ही हो सकता है, राइट। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं सकता बिकॉज इनमें सैचुरेशन नहीं होती, राइट। और सैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन फाइंड करना विथ 3 carbon atoms, उसमें 6 hydrogen से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, पर लेकिन यहाँ पर तो 8 hydrogen है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। सो यहाँ पर अल्कोहल या ईथर ही होगा, एंड एब्जॉर्प्शन रीजन कार्बोनल ग्रुप में एबसेंट है, पहले उन्होंने ये बता दिया 1725 वाला, तो इसलिए एल्डिहाइड कीटोन तो पक्का ही नहीं है। और उन्होंने दूसरा बता दिया कि 3300 सेंटीमीटर वर्स के पास भी एब्जॉर्प्शन रीजन नहीं है, सो ये कंपाउंड अल्कोहल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका OH स्ट्रेचिंग नहीं है। अब 2950 में सिर्फ कौन सी स्ट्रेचिंग हो सकती है, दैट विल बी अवर CH स्ट्रेचिंग, राइट। तो CH स्ट्रेचिंग में O वाला कंपाउंड जो होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा, तो वो वाला कंपाउंड कौन सा हो सकता है, एक ईथर ही हो सकता है, और ईथर से हम फॉर्मूला डिड्यूस कर लेंगे, दैट इज CH3O CH2 CH3। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, सो इसको अच्छे से सॉल्व करना, देख लीजिए कैसे हम स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो मैंने इसको तीनों स्टेप्स में अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हायर स्पेक्ट्रा ऑफ ब्यूट 3-enol, इट शोज एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू CO एंड CC स्ट्रेचिंग एट 1730 एंड 1650 सेंटीमीटर वर्स, एंड ब्यूट 2-enol में ब्यूट 2-enol डज नॉट शो द एब्जॉर्प्शन बैंड्स हेयर, बट It shows the absorption band at 1700 centimeter verse and 1630 centimeter verse. अब इसमें जो दोनों ही
एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, इनकी जो पोजीशन है वो डिक्रीज होगी. क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज ब्यूट टू इनल में अनकॉन्जुगेट ब्यूट थ्री इनल में अनकॉन्जुगेटेड सी सी बॉन्ड था, राइट. बट ब्यूट टू इनल में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कॉन्जुगेशन में है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर्स, राइट. यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल डबल नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर डबल फिर सिंगल फिर डबल है, सो ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है. अब कॉन्जुगेशन क्या करता है? कॉन्जुगेशन लोअर्स दी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसीज, एंड सो इस वजह से ब्यूट टू इनल में लोअर फ्रिक्वेंसीज पर एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहे हैं एंड दैन दी ब्यूट थ्री इनल. सो इस वजह से हमें पता लग जाता है कि इनकी वैल्यूज कम क्यों हुई है, राइट. सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the necessary condition for the absorption of IR radiation by a molecule? क्या क्या necessary conditions हैं for a molecule to absorb IR radiations? Mainly क्या reason है कि bond vibration होनी चाहिए with the change in dipole moment. अगर bond vibration हो रही है with the change in dipole moment तभी एक molecule absorb करेगा IR radiation को. Means ये तभी dipole moment change होती है when vibrations are not symmetrical अबाउट दी सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब वाइब्रेशन आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. तो जब सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होगा तभी एक मॉलिक्यूल आयर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज अ कंडीशन. वेन सच मॉलिक्यूल इज एक्सपोज टू इंफ्रारेड रेडिएशन, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट, इंट्रैक्शन होती है ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट के बीच में और रेडिएशन के बीच में. सो इस वजह से एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द रेडिएशन, राइट. सो आपको ये भी समझ लग गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा. हाउ विल यू जस्टिफाई दैट प्रोपीन एंड प्रोपाइन एग्जिबिट मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग बैंड्स बट इथीन एंड इथाइन डू नॉट? अब प्रोपीन और प्रोपाइन में बॉन्ड स्ट्रेचिंग है और लेकिन इथीन और इथाइन में क्यों नहीं है? इसका पिछले क्वेश्चन से हमें आंसर मिल जाता है. इथीन एंड इथाइन आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स. ये सिमेट्रिकल है तो जब भी इनको इंफ्रारेड रेडिएशन पे एक्सपोज करेंगे दे विल नॉट शो एनी चेंज इन डायपोल मोमेंट. सो नो मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आर प्रोड्यूस्ड. पर लेकिन प्रोपीन और प्रोपाइन जो होते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब भी इन्हें एक्साइट करेंगे तो इनकी डायपोलमेंट चेंज होगी, इसलिए ये एग्जिबिट करते हैं बॉन्ड स्ट्रेचिंग मोमेंट. सो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कौन से कंपाउंड्स एग्जिबिट करेंगे बॉन्ड स्ट्रेचिंग कौन से नहीं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. सो मैंने अच्छे से एक एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल उठाया था और इस वीडियो में एक्सप्लेन किया. अब यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है. इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स या फिर इंटरनेट से भी ले सकते हैं. एंड टिल देन अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगला. तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.